What's going on, guys? Landed to San Francisco Airport, took a cab, came to San Jose, checked in my apartment, and I'm gonna eat meal. I'm fucking hungry. Meal kharab ho gaya. Main leke aaya tha, but koi baat nahi. Temperature control nahi ho paya, kuch bhi ho gaya. Mere meal kharab ho gaya, to main bahut bhooka hu. Pichle 6 ghante se kuch nahi khaya, aur mujhe kuch ulta seedha nahi khana tha because mera show hai. So पहला रेस्टोरेंट मुझे जो मिला जहाँ पे मुझे कुछ हेल्दी मेरे लाइक मिल जाएगा. सो यहाँ मैं पहला मील खाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाऊंगा. ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद में मैं अपार्टमेंट जाऊंगा, रेस्ट करूंगा और फिर जिम जाऊंगा. तो देखते रहिए, और मीनवाइल मैं आपको अपनी बॉडी की कंडीशन भी दिखाता रहूँगा, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे. स्टे ट्यून गाइस. जस्ट फिनिश माई शॉपिंग, grocery shopping, you know, and I'm gonna go home, shower definitely, and then I'm gonna go to the gym. I'm gonna try and keep you updated, especially about my body, how it's changing now. The magic is in mixing. Till the time, see the location, it's so beautiful. तो ये भाई साहब है मेरा अपार्टमेंट जो मैंने रेंट किया है 4 दिनों के लिए सैन होजे में. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउस, लिविंग रूम, टीवी, बुक्स, लैपटॉप, सब कुछ है. बालकनी view from the balcony. I guess यहाँ पे ट्रेन चलती है, देख रहे हो आप. Look at this. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बेडरूम. ये है बेडरूम, तो आप देख सकते हो. इसमें प्राइवेट टीवी है, दैट्स माय बेड, दैट्स माय कवर्ड, दैट्स प्राइवेट बालकनी इन द बेडरूम. सेम व्यू अगेन, वो बालकनी लिविंग की. ये तो ये पूरा हाउस मैंने रेंट किया है, बिकॉज रेंट करने का सबसे फायदा ये होता है कि आप अपने मिल खुद कुक कर सकते हो. देखिए यहाँ पे पूरा सेटअप, किचन है, माइक्रोवेव है, कॉफ़ी मशीन्स है, बेसिन है, फ्रिज है. तो ये जितना भी मैंने लाया है, मैं आपको थोड़ा बता दूँ क्या क्या है इसमें. ये मैंने लोडिंग के लिए राइस केक्स लाए हैं, जो मुझे प्रॉब्ली 30 जून को लगेंगे शो से पहले. ये मैंने वेइंग स्केल लाया, जो मैं घर पे भूल गया था, बट बहुत ज़रूरी है ये. उसके अलावा ऑरेंज, एग वाइट्स, यू कैन ड्रिंक, यू कैन कुक व्हाटएवर यू वांट टू. एग वाइट्स, ये फ्लॉस है, दांत में कुछ कचरा फंस गया उसको निकालने के लिए. स्वीट पोटैटो, ऑरेंजेस, वाटर बॉटल, देन वी गॉट चिकन. Then we got rice. ये वॉशरूम है, दिस इज टॉयलेट, बाथटब, शावर. आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि बॉडी कैसी लग रही है, बॉडी की कंडीशन चेक कर लेता हूँ कैसी लग रही है. जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी भी एब्स टाइट है, साइज पकड़ा हुआ है, बट बॉडी ने पानी बहुत होल्ड कर लिए, स्पेशली बैक में. बट अभी हमारे पास 3 दिन है. ये आज वेडनेसडे मेरे लिए इधर
कल थर्सडे, तो मैं कल से प्रोबेबली लोडिंग चालू करूँगा आज रात तक कंडीशन देख के। थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को शो है तो मेरे पास इनफ टाइम है। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके जिम जाऊँगा। सो विल ट्राई टू शूट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थोड़ा सा फ्रेश हो गया, चेंज कर लिया, आप कार्डियो करने जाएंगे तो चलते हैं कार्डियो करने के लिए। सेशन वन शाम के 5 बज रहे हैं। दिस इज द लाउंज एरिया ऑफ क्लब रूम एंड आई बिलीव दिस इज द स्विमिंग पूल। Just about to finish that 45 minutes of cardio. By the way, this speed is not in kilometer, it's in miles. You can see miles per hour. So kilometer and miles is completely different. You can see the timing. It's 6:18 p.m. local time and 6:48 in India. So that's what, guys. I just finished first session of cardio for today. It's Wednesday. And now I'm gonna cook some food. I'm gonna show you how I cook my food and what exactly my peak week food is all about. So keep watching the video and I'll try to cover as much as possible. And keep supporting. Thank you for your prayer. I hope to make you guys proud. Thank you so much. So guys, today I'm gonna help you out with how I cook my meal when I'm outside. Usually when I'm in India and I'm at home, so Fit Food Company make food for me. All the time they have been very kind. So guys, today I'm gonna show you that how you can cook chicken at home, because the same thing I'm gonna do here, because I'm helpless here. Yahan koi Fit Food Company nahi hai, koi ghar wali nahi hai, gharon mein koi nahi hai, mamma nahi hai, to yahan pe aap all akele ho, to aisi situation mein diet karna to zaruri hai. Ab diet to chhod nahi sakte, aur bahar agar aap khane jaoge to bahut hi expensive padega. Obviously दिन में 6 मील 7 मील खाओगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। अभी मैंने एक मील खाया जो मुझे $20 का पड़ा। सो ऑब्वियसली मैं अभी ग्रॉसरी शॉपिंग करके आया हूँ, तो मैं घर पे मील कुक करूँगा और मैं आपको जितना हो सकेगा बताऊँगा कि मैं मील में क्या क्या खाता हूँ, आई मीन कैसे बनाता हूँ। ओके, सो सी। और मैं बहुत अच्छा कुक नहीं हूँ, तो प्लीज़ अगर कुछ ऊपर नीचे रह जाएगा तो चिल्लाना नहीं कमेंट में। सो गाइस, जैसे कि ये चिकन है आप देख सकते हो, मैंने इसको थोड़ा सा पानी में रखा था बिकॉज मैं फ्रोज़न चिकन लाया था और अभी ये नॉर्मल हो गई है, तो मैं इसके अंदर इसको पहले अच्छे से वॉश कर लूँगा। चालू कर दिया। इसके साथ साथ हम यूज़ करने वाले ये ऑलिव स्प्रे कुकिंग ऑयल, बहुत लाइट, थोड़ा सा एकदम, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि वो चिपक ना जाए उसके ऊपर, बस उसके लिए। तो आप ये अगर देखोगे तो मैं स्प्रे देखो कैसे डालता हूँ, जस्ट इसको वेट करने के लिए जितने भी आते हैं। करीबन सब आ गए, एक बड़ा पीस छोड़ के, तो उसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं इस पर डालने वाला हूँ चिकन, तो बनाना रख दिए हमने। अब बात करते हैं हम राइस कैसे बनाएंगे, जैसे मैं बनाता हूँ, सबको पता है, बट मेरा स्टाइल ये है। सो सबसे पहले हम राइस बनाने का जो बर्तन है वो लेंगे, उसको मेजर करेंगे और उसको ज़ीरो कर देंगे। अब देख रहे हो, ये ज़ीरो कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे बनाना है 1 कप राइस, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 50 ग्राम ऑफ राइस, विच इज़ 1 कप। थोड़ा सा आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो 52-53 के आसपास ही आएगा। हाँ, ये हो गया आपका 1 कप राइस।
ठीक है। कंट्रोल देख रहे हो बंदे का, कंट्रोल लौंडा वाला कंट्रोल में काम करता है। राइस को धोने के बाद में अपना थोड़ा पानी भर लिया उसमें, उसको हमने यहाँ रख दिया। बस 2 more minutes एंड इट विल बी रेडी। सो द मील इज रेडी नाउ, आई हैव मेड इट 0 एंड इट्स टाइम टू वेट। जैसे कि वजन करे बगैर कुछ नहीं खाना चाहिए। इसके अंदर हमें एक छोटा सा पीस डालना पड़ेगा, जैसे कि ये देखो डाला मैंने, ये हो गया 6। हमेशा याद रखना वेइंग परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। 6 means 6, ठीक है। 6 ounces ऑफ फिश विच इज़ 170 ग्राम, आई मीन 6 ounces ऑफ चिफकन विच इज़ 170 ग्राम। What's going on guys? So, मैं अभी जा रहा हूँ जिम करने और मुझे यहाँ मिलना है मेरे एक दोस्त, आई मीन इंस्टाग्राम से वो मुझे मिले थे और ये मुझे मिलना है और ये मुझे बोले है कि आज ये मुझे जिम ले जाएंगे एंड हियर वी आर। सो वी हैव प्रतीक इन द हाउस, कैन यू ऑन द लाइट शो योर फेस। सो प्रतीक इज द वन, आई मेट दिस गाय फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड is showing me around at San Jose and he's gonna take me to the gym. So let's go and I'll try to shoot as much as I can because aaj to zyada workout nahi hoga par fir bhi kar lenge. Keep watching guys. So we have just reached 24 hour fitness active. So ye